हिंदुस्तान और दुनिया में हॉकी को स्थापित करने वाले मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति और 2.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम और इसमें जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में कॉमनवेल्थ में एशिया में ओलंपिक में गए हैं ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हांकित करके और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर में प्रदर्शन किया है उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए नकद राशि का वितरण और करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि का वितरण आज हुआ। खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन और खेलते समय आर्थिक संकट सबसे मजबूत रहता है, मेडल मिलने से उनसे संतोष नहीं होता, इसलिए उन्हें खेल में पर्याप्त खुराक मिले, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, इसलिए सरकार ने योजना 2004 में शुरू की है। अब धीरे धीरे काफी बड़ा एरिया कवर होता है बहुत सारे खिलाड़ियों को जो आज खेल में शुरुआत कर रहे हैं, स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आर्थिक दृष्टि के लिए बहुत मजबूत कदम होगा। और एक नई खेल नीति के बारे में मैंने आज कहा कि हम प्रदेश स्तर में जिला ब्लॉक स्तर में ब्लॉक से जिला स्तर में फिर संभाग से ऐसे अलग अलग संभाग में अलग अलग स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 साल के बाद कोई ओलंपिक खेल चुका है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई एशियाड में खेल चुका है मगर 60 साल के बाद उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है, ऐसे खिलाड़ियों को भी चिन्हांकित करके पेंशन की एक नई योजना बनाने का हम काम कर रहे हैं। और नेशनल और जो ओलंपिक और एशियन गेम में जो लोग खेलते हैं एशियाड में खेलते हैं उनके लिए भी एक योजना बनी है कि उनके बीमा की योजना, ताकि स्पोर्ट्स में इंजरी होती है खिलाड़ी की दिक्कत होती है उसके लिए भी खेल नीति में 3 परिवर्तन करके गेमों को चिन्हांकित करके आइडेंटिफाई करके 5 साल और 10 साल की लंबी कार्य योजना पर काम करें। संतोष प्रसाद पिता चिट्टी बाबू क्रिकेट कुमारी निवेदिता वर्मा बहुत ही शानदार मंदिर यह यादगार जमा।